स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो KGMU के साइड से न्यू ऑफिशियल अपडेट निकल के आ गई है, स्टूडेंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी लगातार अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। डेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट विल बी रिगार्डिंग द MSc नर्सिंग कोर्स 2021। आप सभी को बता दे, थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। आप सभी को अप्लाई करना है एंड वो करना होगा 15 नवंबर से पहले तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं MSc नर्सिंग काउंसलिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट बताया गया, फॉर द लास्ट काउंसलिंग जो थर्ड काउंसलिंग है, SC and EWS ऑफ ऑल रैंक आर एलिजिबल, ओनली SC and EW आर सीट्स जो है सिर्फ वैकेंट है, ठीक है। एंड SC और EWS जो जितने भी रैंक के कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम भी आप लोगों को बताया गया है, आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं 9 AM से लेकर 12 PM तक। एंड यहाँ पर वेन्यू भी बताया गया आप लोगों को, जो जहाँ पर रिपोर्ट करना है, सब कुछ यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया। तो आप लोग मॉप अप राउंड भी इसको बोल सकते हैं, तो मॉप अप राउंड जो रहेगा उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो 15 को यहाँ पर होने वाला है, देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर जो शेड्यूल है वो बता रखा है, किस किस को यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा एंड फीस वगैरह कितनी लगने वाली, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की जो फीस लगेगी दैट विल बी 300 नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पर लगने वाली, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में आप लोगों की फीस लगेगी KGMU में, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने होंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन फर्स्ट अपडेट अपनी ये निकल के आ रही थी। सेकेंड अपडेट निकल के आ रही KGMU के साइड से, आप सभी को बता दें KGMU ने ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रिलीज कर दिया। स्टूडेंट सभी यहाँ पर टोटल फीस स्ट्रक्चर बता दिया गया सबसे पहले, एंड नेक्स्ट अपडेट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप सभी को फीस बताना चाहूँगी KGMU में कितनी फीस लगती है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, KGMU में यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फीस अलग अलग होती है। आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करेगी फीस, उसके साथ साथ फीस डिपेंड करती है कि आप लोग हॉस्टल लेते हैं या फिर आप लोग हॉस्टल नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर हॉस्टल लेते हैं तो आप लोगों की 48K फीस लगने वाली, 48,000 आप लोगों की जो फीस है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप लोग हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 43,000 आप लोगों की फीस जो है लगने वाली है विदाउट हॉस्टल। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं OBC ST ST से, तो आप लोग अगर हॉस्टल लेंगे तो 42,000 आप लोगों की फीस लगेगी। अगर नहीं लेंगे 37 की आप लोगों की फ़ीस जो है लगने वाली है। एंड उसके साथ साथ फीस जो है DD की फॉर्म में ही ऑलमोस्ट जो है एक्सेप्ट करा है KGMU। तो आप सभी को भी ध्यान रख लेना है कि जो फीस रहे वो DD की फॉर्म में आप लोग जमा करवाएं। तो क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ये आप लोग पहले से ध्यान करके रख लें, बिकॉज अगर ये चीज़ें आप लोगों उनको एडमिशन के टाइम पर आप सभी के पास नहीं होती तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के बाद नहीं, आप लोगों को पहले से बनवा के रखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास होने चाहिए 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है, सॉरी फोटोग्राफ्स। आपने 2 आप लोगों को एटलीस्ट आप लोगों की फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेगी। एंड हाई मार्क जो सर्टिफिकेट है आप लोगों को वो चाहिएगा, इंटरमीडिएट मार्क सर्टिफिकेट चाहिएगा, उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिएगा, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपीज यूनिवर्सिटी ने मांगी हैं। एंड सब कैटेगरी जो सर्टिफिकेट वो भी रिक्वायर्ड रहेगा। 3 फोटोग्राफ्स रहेंगी पासपोर्ट साइज की एंड सेल्फ एड्रेस 2 एनवलप रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को बता दें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं KGMU जो है आप लोगों से मांगता है, KGMU के लिए ये सभी चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो ये आप लोग जो है सभी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी तभी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। तो आप सभी के अनुसार डिस्कस कर लें कि कितने क्या यहाँ पर कैसे क्या यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है फीस डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिवर्सिटी ने किया है। तो यहाँ पर ये फीस है हर साल सेम रहती है, आप लोगों को बता दें। एनरोलमेंट के 1,000 रुपये लगते हैं एंड एडमिशन 2,000 फीस है। एप्लीकेशन की फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी कम फीस यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म की। ट्यूशन फीस 12,000, मार्कशीट फीस जो है 1,000 लगने वाली है। एंड अदर फंड जो है आप लोग कंप्लीट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को टोटल जो है
बता दिया। हॉस्टल फीस में थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर आप लोग सिंगल सीटेड लेते हैं तो आप लोगों को 3600 लगेगी, डबल सीटेड लेते हैं तो आप लोगों को ये जो फीस है वो 2400 यहाँ पर लगने वाली। इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यार टोटल आप लोगों को मैंने बता दिया इतनी यहाँ पर जो है आप लोगों की फीस लगने वाली है। जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं हैव टू पे 50% ऑफ ट्यूशन फीस एज पर द गवर्नमेंट, ठीक है। और उनको 50% ही यहाँ पर ट्यूशन फीस देनी पड़ती है एससी एसटी वालों को केजीएमयू में। तो काफ़ी गाइडलाइंस है केजीएमयू की साइड से, हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।